नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। 86 में 56 बताना चाहें और फिर बता दो 86 में 56। पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी की मैं बात सुन रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सी बातें रखी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूं कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बताया जो आने वाली है, इनकी जो आ चुकी है लागू होगी। मेरा केवल एक छोटा सा सवाल है कि 2017 से लेकर के 2022 में जो एज ग्रुप है 15 साल का, उसमें कितने बच्चों की संख्या बढ़ गई है 2017 से लेकर के 2022 तक? 15 साल के ग्रुप में बच्चों की कितनी संख्या बढ़ गई है? क्या उन बच्चों के भविष्य के बेहतर बनाने के लिए और उनको नौकरी रोजगार दिलाने के लिए आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा ये है, एम्प्लॉयमेंट रेशो नहीं बताते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ये है, तो वो क्या इन बच्चों की संख्या बताएगी सरकार? मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि 2017 से 2022 के बीच में जो एज ग्रुप 15 साल का है वो संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आ गए होंगे उसमें? अब वो इससे संबंधित नहीं, उसकी जानकारी संबंधित इसलिए है ना अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ 17 से 22 तक कितने बच्चे आ गए एज ग्रुप में, संख्या क्या होगी उसकी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। अध्यक्ष महोदय, और सवाल यह है, अगर मुख्यमंत्री जी 86 में 56 बताना चाहें और फिर बता दो 86 में 56। सी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या मुख्यमंत्री? लेकिन अध्यक्ष जी, अरे आज उत्तर आ जाए फिर आप बोले। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, केवल इतना जानना चाहता हूँ कि 17 से 22 में मुझे साल के वही तो आ रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, आप खड़ा हुआ हूँ, वही जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इतना पेशेंस रखना चाहिए कि जब मैं खड़ा हुआ, मैं आपकी बात को सुन रहा था, जब मैं खड़ा, मैं तो वही बोलने के लिए आया हूँ कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है। मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ये 5 नंबर के प्रश्न में भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा जा रहा था, एक प्रदेश एक कोर्स एक मूल्य, यानी एक देश एक कानून, ये भी जोड़ देते तो और अच्छा होता। सरकार क्या कर रही है ये तो सर्वे बताते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अरे उत्तर आ जाए, उत्तर आ जाए, लाइव तो नहीं है अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी, ये लाइव चल रहा है क्या? लाइव चल रहा है। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। लाइव अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने पे ही निर्भर करता है, और 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से अधिक था, और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिल रही है, और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया माननीय न्यायालय के द्वारा बीच में इसलिए बाधित नहीं की जाती है क्योंकि माननीय न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है, प्रक्रिया में पूरी शुचिता है, और पूरी ईमानदारी के साथ सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है।
उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो 1 करोड़ नए नौकरी और रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। यह भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए ही 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रश्नों का समय समाप्त। बैठिए, प्रश्नों का समय समाप्त। 9